माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें एक और लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा मिलने के बाद अपनी संसद की सदस्यता गंवा चुके मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। 29 अप्रैल 2023 को कृष्णानंद राय हत्याकांड और कोयला व्यापारी के अपहरण कांड में गैंगस्टर के तहत 4 साल की सजा अफजाल अंसारी को हुई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी भी आरोपी बनाया गया था। वहीं इसके बाद इस फैसले को चुनौती अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई करने के बाद ये फैसला सुनाया कि फिलहाल इस सजा पर रोक लगा दी गई है, जिसे गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया था। वहीं इसके बाद बड़ी बात यह है कि अफजाल अंसारी की जो संसद सदस्यता है उस पर लगी रोक को हटा दिया है, यानी अब वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। वहीं इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये निर्देश दिया है कि 30 जून 2024 तक जो ये फैसला है इस पूरे मामले पर उसको सुनाया जाए। यानी कुल मिलाकर देखें तो अफजाल अंसारी को बहुत फायदा यहां पर होता हुआ दिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। वहीं इस दौरान ये बात भी नोट करने वाली है, इस बात पर भी ध्यान देने वाला है कि सुनवाई के दौरान जो अफजाल अंसारी की वकील है उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद जिस तरह उन्हें वापस से उनकी सदस्यता दी गई थी उसका भी जिक्र किया। यानी कुल मिलाकर देखें तो अफजाल अंसारी को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले समय में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब उनके इस केस पर सुनवाई होगी तो वो नए तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन।